नया इकोसिस्टम लाइव होने के बाद इसमें दिए गए फीचर्स और ऑप्शंस को धीरे धीरे एक्टिव किया जाने लगा है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स और ऑप्शंस हैं जिसे एक्टिव नहीं किया गया है, लेकिन इसे एक्टिव करने की शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम में मौजूद कौन से ऑप्शंस या फीचर्स को एक्टिव किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम को लाइव हुए करीब 4-5 दिन हो चुका है, लेकिन इसमें मौजूद ज़्यादातर ऑप्शंस और फीचर काम नहीं कर रहा है। और इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम को आनंद लाइव किया गया है। लंबे समय बाद जब इकोसिस्टम लाइव हुआ तो उसमें मौजूद कोई भी फीचर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब उन फीचर को एक्टिव करने की शुरुआत हो चुका है। जब आप इकोसिस्टम के बिकम एंड अफिलिएटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बिकम एंड अफिलिएटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म नजर आएगा। उस फॉर्म को जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में डेट का ऑप्शन दिखाई देगा। पहले वहां पर डेट के ऑप्शन में कोई भी डेट लिखा हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन अब उस डेट वाले ऑप्शन में करेंट डेट लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बिकम एंड अफिलिएटर वाले बटन पर क्लिक किया और इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट डेट लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन यह करेंट पहले लिखा हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन अब यह डेट लिखा हुआ नजर आने लगा है। और इसका मतलब यह है कि अब इकोसिस्टम में धीरे धीरे ऑप्शंस और फीचर को एक्टिव किया जाने लगा है। वही इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में जो ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन है, उस ऑप्शन में कोई भी डेट लिखा हुआ नजर नहीं आता है। अभी जब आप इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में जाएंगे तो वहां पर इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में जो ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन मौजूद है, उसमें कोई भी डेट लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। देख सकते हैं कि मैंने प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद प्रोफाइल वाले पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्रोफाइल डिटेल दिखाई देने लगा है, जिसमें यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसके नीचे यह बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग डेट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी बिकम एंड अफिलिएटर के फॉर्म में करेंट डेट को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में ज्वाइनिंग डेट को अपडेट नहीं किया गया है, उसे एक्टिव नहीं किया गया है। तो इस तरह से इकोसिस्टम में मौजूद फीचर्स और ऑप्शंस को धीरे धीरे एक्टिव किया जाने लगा है और आने वाले समय में इकोसिस्टम में मौजूद सभी ऑप्शंस और फीचर को धीरे धीरे एक्टिव किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं।